टॉयलेट में मांगा था ये प्रतिमा बनाने के लिए 134 टन मैट्रिक टन आया था सब जगह से, उसको रिफाइन करके सड़िए जो बनाए थे वो सड़िए तो पिल्लरों में डाले हैं। सबसे ज्यादा सड़े डाले नीचे फाउंडेशन के अंदर बेज में, 58 मीटर है बेज, क्योंकि सारी स्टैचू का वजन उसके ऊपर ही है। बाहर लगता तो जंक लगती, इसलिए बाहर जो दिख रहा है ना 1700 मैट्रिक टन ब्रॉन्च है, सरदार साहब के कपड़े का वेट बोल सकते है, और 6000 से ज्यादा प्लेटे है। हर एक पार्ट पर टैग दिया है येलो कलर का, उसमें नंबरिंग है। इन फीचर कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो बना सकते, इसीलिए नंबर डालने में आया है। ये व्हाइट दिख रहा है स्ट्रक्चर और स्टील 6000 मैट्रिक टन लगा हुआ है। पिलर के साथ जॉइंट है, पार्ट के साथ भी जॉइंट है। एलएनटी ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, 3.5 साल में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनाई गई है। अभी आपको स्ट्रक्चर और स्टील देखना है, बैक साइड जाना है, पीठ का पोर्शन देखना है, हिप से नीचे जाना है, म्यूजियम देखना है, उनके पैरों पर जाना है। टिकट में इंक्लूड है आप सभी का वैली ऑफ फ्लावर और डैम। 7 बजे लेजर शो रहता है पूरी प्रतिमा के ऊपर, साउंड के साथ बताते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ओके,
आप सबकी यात्रा सफल रहे। ঠিকই আছে না পুরো কালো, এবার একটা।